अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो मैं हूँ इशी तरन्नुम और हमेशा की तरह एक न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। चलिए तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सुबह का टाइम है और उम्रा लेकर आई है वैक्यूम क्लीनर कि मम्मा अब मैं सारे सोफ़े सब चीज़ें पूरा क्लीन करती हूँ, आज बहुत अच्छी सी सफाई मैं खुद कर देती हूँ। तो देखिए अब उम्रा सफाई करने में लगी हुई है। तो देखिए अब जा रहे हैं हम हॉस्पिटल क्योंकि सर्जरी के 1 वीक के बाद हमें आना था डॉक्टर के पास, तो वहीं हम जा रहे हैं। और आज पूरा 1 हफ्ता हो गया है मेरी सर्जरी को और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो बाहर पता है बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं बच्चों के लिए लंच भी बनाकर रख कर आ गई हूँ, लेकिन हमने नहीं खाया है क्योंकि भूख नहीं थी। हम लोग 11:30 बजे के करीब निकले हैं, तो बस अब वहीं पर जाकर देखते हैं, बाहर ही कुछ खा लेंगे। अभी तो बहुत वेट करना पड़ेगा, डॉक्टर के यहाँ पर जाओ ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है यशोदा हॉस्पिटल से है ना, तो अब हॉस्पिटल भी आ गया है और अब हम चलते हैं डॉक्टर से मिलने। सबसे पहले मुझे अपनी रिपोर्ट लेनी है, फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखानी है। तो दुआ करिएगा सब। तो पता है कार से उतरकर मैं सिर्फ अंदर आई हूँ हॉस्पिटल में और सिर्फ इतनी देर में इतनी ज़्यादा गर्मी थी बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज। अल्लाह ताला रहम करे। और अब हम मिल चुके हैं डॉक्टर से और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ नॉर्मल है और एक ज़हनी सुकून है अब, क्योंकि बायोप्सी की आज रिपोर्ट मिली है तो माशाल्लाह सब कुछ ठीक है। और अब ये कह रहे हैं अब तो तुम्हें भूख लग गई होगी, ठीक से चलो कुछ खा लेते हैं। तो अब हम कुछ खाएंगे और पता है यहाँ पर ना थाली जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो मैं तो वही खाने वाली हूँ और इनका जो दिल चाहेगा ये वो खाएंगे, क्योंकि खाने का भी टाइम है, 3 बज रहे हैं, तो इसलिए मैंने तो यही ली है। और पता है यहाँ पर यशोदा हॉस्पिटल में जो है कैंटीन जो है इसकी थाली होती भी बहुत अच्छी है, उसमें सब्ज़ी दाल पनीर रायता सब चीज़ें सैलेड हर चीज़ होती है। देखिए ये है वो थाली और एकदम फ्रेश और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो अब खाते हैं खाना। और पता है मुझे तो ये वाला रायता बहुत ही अच्छा लगता है और आज तो लौकी का रायता था और एक मक्खी आ गई मुझे परेशान करने के लिए। तो हम दोनों ने बैठ के पहले खाना खाया और जब पता है जब बहुत तेज़ भूख होती है तो फिर रोटी खाने का दिल चाहता है, रोटी हो राइस हो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा लेंगे तो उससे भी पेट भर जाएगा। मेरे साथ तो यही होता है, जब पानी वाली प्यास होगी तो पानी ही पीने का दिल चाहता है, ऐसा नहीं कोल्ड ड्रिंक पी लिया जूस पी लिया तो प्यास हो जाएगी। तो अब हम जा रहे हैं, अभी कहीं और भी जाना है, कुछ और सामान लेना था, इनको लेना था कुछ, तो मेरा और भी टाइम यहाँ पर वेस्ट होगा, वरना मैं घर जाना चाह रही थी, बस बहुत थक गई हूँ। और अब पियेंगे हम सोडा शिकंजी पीने वाले हैं हम। और यहाँ पर ना लाइन से देखिए कितनी सारी कार्टें हैं, सब सोडा शिकंजी की हैं इस रोड पर सब, और गर्मियों में ना ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये बनवा रहे हैं और मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से पीऊँ, तो बहुत टेस्टी थी। फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे अब घर, बहुत लेट हो गया है, हम लोग आए थे 11:30 बजे और अब शायद 4:30 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं अपने घर। चलिए तो अंदर चलते हैं। और ये जो एक छोटी सी बच्ची आपको दिख रही है ये मेरे पास आती है ट्यूशन पढ़ने के लिए, इसको पता नहीं होगा कि आज मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ तो ये आई होगी, तो उम्रा ने शायद पढ़ा दिया होगा इसको। तो हुसैन सो गया है और सिद्रा अपना टैबले के बैठी हुई है। और ये 2 नाइट सूट क्यों खराब किए हैं तुमने? शर्ट किसी और नाइट सूट की पहनी है, लोअर किसी और का? मैं बनाने जा रही हूँ आज
तोरी तोरी देखो चित्रा क्या कर रही है। आप बताइएगा आप मुझे किस किस को रॉ ऑनियन पसंद है। आई जस्ट लव इट। चलो बनाते हैं डिनर। अब आप जाओ यहाँ से चित्रा, जाओ हुसैन के पास जाकर बैठो, ठीक है? मैं जब तक, ये क्या हुआ इसमें? वन वीक मैं क्या बीमार पड़ गई? सब पूरा मेरा किचन देखो क्या हालत हो गई है। जी बेटे, मिठाई देकर गए हैं। अच्छा, ये कहाँ से मिठाई लाते हैं? आपके अब्बा है नीचे? अच्छा, कोई अंकल ली तो है, वो ना अंकल नहीं दी है। अच्छा, जो बकपास है। ठीक, लेट्स सी कौन सी है वैसे। और अब्बा ने क्या बोला है? चाय बनाने के लिए कॉफी क्या बोला है? चाय। ठीक है, अभी बना। कितने कप बननी है? आई गेस वो मैंने देखा नहीं। नहीं देखा, चलो मैं उनको कॉल करके मालूम करती हूँ। ठीक है, इसे मैं तब तक ओपन करती हूँ। ओपन करती हूँ? ऐसे नहीं करते हैं, इधर से इसको करो, ऐसे करो। ठीक है, और मेरी फेवरेट मिठाई। ये तो सिद्धार्थ की फेवरेट मिठाई है। अरे वाह, घर बैठे अब आप अच्छी बन गई हो ना, इसलिए आपकी फेवरेट मिठाई आई है ना, वरना लड्डू आ जाते हैं, है ना? वो आपको पसंद नहीं है, अब आप अच्छी बन गई हो तो मिठाई आई है ना। मैं तो अपनी बाउल में लेकर खा लूं। खा लो, चलिए मैं भी जल्दी से खाना बनाती हूँ, और ये भी तेज हो गया है। देखिए ये तो सब्जी बन रही है, और ये बच्चों के लिए बनाया मैंने खाने को। थैंक्स। देखिए हुसैन को ना ये बहुत ज्यादा पसंद है। हुसैन, और पता है क्या बोलता है हुसैन इसको? क्या बोलते हो? पकौड़ी? ये पकौड़ी नहीं है बेटे, आप बताइए क्या है? पापड़। अच्छा, और सिद्रा को भी दिखा देती हूँ। सिद्रा आप क्या कर रही हो? लगा रही हूँ। कहीं लग ना जाए ये, फिर आपकी पिटाई होगी बहुत। इसको वॉश करना, पेन से लगा के देख लो ना, या पेपर पर लगा कर देखो। मुझे अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, बेड शीट पर या पिलो कवर पर नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, ओके। सिद्रा जी, मम्मा नीचे देखा रहो बेटे। ओके, अप्पा पप्पा देखा जाएंगे मस्जिद में। ठीक है, ठीक से पकड़ कर लेकर जाओ, जाओ जल्दी, नीचे वेट कर रहे हैं अप्पा। तो देखिए सित्रा बना रही है अपने लिए कोल्ड कॉफी। क्या बना रही हो सित्रा? कोल्ड कॉफी। अब इसको ऊपर से मिल। मैं तो अंदर चल रही हूँ, मुझे हुसैन बुला रहा है, और इससे आगे हम नहीं देख पाएंगे। हुसैन आ रही हूँ बेटे। बन गई? यस। ये देखिए बहुत टेस्टी है, गिरानी देना। Yes. अरे भाई, तो बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। अब इसे पियेंगे और यम यम। बैठ कर, लास्ट बोला था ना मैंने आपसे कुछ भी चीज पीनी है बैठ कर। ठीक है, सर भी ढक लो, हेड कवर करके ना अपने पूरे। गुड। पिलो। ट्रेन। बहुत ही अच्छी बनाई है। हुसैन ये क्या किया तुमने? अभी मैं तुम्हें खिला कर गई थी खाना, तुमने ये बाइट यहाँ पर रख दी। पता है बहुत ही ज्यादा मुश्किल से खाना खाता है। अभी ये बाइट ना मैं इसके मुंह में रख के गई थी और इसे छुपा दी है इसने।
ट्रेन तो बहुत अच्छी बनाई है आपने बेटे, लेकिन खाना भी खा लो ऐसे। नहीं खाओगे? फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मम्मा नहीं बनूंगी आपकी। खाओगे? और अभी थोड़ी देर में आइसक्रीम का टाइम होने वाला है। अच्छा, आज नहीं खिलाऊंगी। वाह, खाओगी? ठीक है। तो देखिए, बच्चे नीचे जा चुके हैं आइसक्रीम खाने के लिए, और आज मैं नीचे नहीं गई हूँ क्योंकि आज मैं हॉस्पिटल जाने के लिए नीचे कई चक्कर लग गए थे, नीचे आई हूँ। क्या हुआ? चलिए, तो बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, और इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और लाइक शेयर तो ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़। और अब आइसक्रीम कार्ट भी आने वाली है, मुझे दिख गई है दूर से, आप लोगों को नहीं दिख रही है, मैं दूसरी साइड देख रही हूँ। ठीक है, तो चलिए, अल्लाह हाफिज़। हुसैन के लिए भी ले लेना, ठीक है?